गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए चैप्टर पर बढ़ेंगे जिसका नाम है लिटिल बाय लिटिल। आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी। उससे पहले आपकी वीडियो में आपको मेरी वॉइस ही वॉइस आती है। आप अभी जब चैप्टर ये वीडियो देखेंगे तो अपनी बुक खोल के बैठेंगे, उसमें ये चैप्टर होगा और आपको इस चैप्टर की फ़ोटो भेज दी जाएगी, तो जिसे आपको लिखना है इंग्लिश और हिंदी बोथ मीनिंग। तो मैं स्टार्ट करती हूँ लिटिल बाय लिटिल। ये एक पोयम है जिस पोयम में एक एकरन मीन्स एक बीज अपनी स्टोरी अपने एक्सपीरियंस बताता है कि वो धीरे धीरे कैसे बड़ा होता है और धीरे धीरे उसमें क्या चेंज आते हैं। जब ये पोयम पूरी हो जाएगी तो आप लोग भी अपने घर में एक पेड़ लगाएंगे, रोज़ उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं और उसे आप शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस को मेरे संग कि आप रोज़ उस पौधे में क्या क्या चेंज देखें। तो जैसे है लिटिल बाय लिटिल एन एकरन सेड, धीरे धीरे एक बीज कहता है, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ अपने नमी वाले बेड पे। मतलब पानी जब उसमें भर दिया जाता है तो उसमें नमी हो जाती है, तो उस विषय में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है अपने आगे की तरफ हो रहा है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं धीरे धीरे मुझमें सुधार हो रहा है, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ। हिडन डीप इन अर्थ अवे, और मैं धरती में नीचे हूँ और गहराई में जाता जा रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, धीरे धीरे करके ये रोज बढ़ रहा है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, सिप्ड मतलब पीना, ड्यू मतलब ओस की बूंदे। जो आपने सर्दियों के मौसम में देखा होगा कि कोहरा जब हो रहा था उसके बाद सुबह ओस की बूंदे गिरती हैं, तो वो बूंदे ये धीरे धीरे करके अपने अंदर सोख रहा है, उसे पी रहा है। डाउनवर्ड इट सेंड आउट थ्रेड लाइक रू, नीचे की तरफ इसकी जड़ें रूई की तरफ फैल चुकी हैं। डाउनवर्ड नीचे जमीन में ही जड़ें होती हैं किसी भी पेड़ की, ये तो आप लोग जानते हैं। अप इन द एयर स्प्रैंग ए टीनी शूट, और हवा से एक झोंका आता है और वो इससे टकरा जाता है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन प्रतिदिन साल प्रतिसाल, मतलब हर दूसरे दिन, हर रोज और हर साल। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, धीरे धीरे करके इसकी पत्तियां निकल के आती हैं जो फैल जाती हैं पत्ती। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और उसकी शाखाएं, पतली पतली शाखाएं जिन पे वो पत्तियां निकल कर आती हैं, वो दूर दूर करके फैल रही हैं। टिल द माइटी ऑफ इज द फॉरेस्ट प्राइड, ये जब तक बढ़ेगा, जब तक ये एक बड़ा पेड़ शक्तिशाली नहीं हो जाता और किसी भी जंगल की एक शोभा, एक गर्व नहीं बढ़ा देता। जंगल में जब तक इसकी पूरी संख्या नहीं हो जाती और पेड़ों के संग ये नहीं मिल जाता, जब तक ये बढ़ता रहेगा और एक शक्तिशाली पेड़ बन जाएगा। आप भी इसी तरह एक पेड़ उगाएंगे और उसे देखेंगे उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो आप एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे। आपको इस चैप्टर की फ़ोटो वीडियो भेज दी जाएगी। थैंक यू।